तो आज हम सीखेंगे 11 से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। जल्दी जल्दी से आप 1.5 सेकंड में आंसर दे दोगे। चलिए मैं करके दिखाता हूं। 23 की 11 से मल्टीप्लाई, अब 2 को सिंपली इधर लिखिए और 3 जो अगला डिजिट है अपना उसको थोड़ी सी गैप में लिख दीजिए। अब बीच में क्या आएगा, बीच में इन दोनों का जोड़ करके लिख दीजिए, क्या आएगा 5। तो 253 की क्या आ जाएगी, अपना आंसर आ जाएगा। 23 को जब 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 253। अब अपना एग्जाम्पल लिखिए 43 को अपने 11 से मल्टीप्लाई करना है। मैंने क्या बताया, 4 को थोड़ी सी इस साइड लिखिए और 3 को थोड़े से गैप में और बीच में इन दोनों का जोड़ क्या आएगा, 4 और 3 का जोड़ 47। तो 473 क्या हो जाएगी इसकी मल्टीप्लाई। अगला लीजिए 34 को 11 से मल्टीप्लाई करनी है तो 3 को लिखा इधर, 4 को लिखा थोड़े से गैप में और बीच में इनका जोड़ 7 आंसर। तो अगला आप बताइए, 24 को जब 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 35 को जब 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा।